Uh, तो क्या क्या है इसमें आई विल जस्ट शो यू दिस इज़ क्रीम का डब्बा है ये uh, तो इस डब्बे को जो लिड है या जो ढक्कन uh, है उसको मैंने ऊपर स्टिक कर दिया ऐसे तो ये एक प्लास्टिक का क्रीम uh, का डब्बा है ये भी एक प्लास्टिक बॉटल का ही हिस्सा है तो इसको मैंने बॉडी का जो अपर पोर्शन होगा तो उसके हिसाब से मैंने बनाया है और ये दो स्पून मैंने आ, इंसर्ट कर दिया एज़ हैंड्स और ये जो आप देख रहे हैं इसके ऊपर ये एक मास्क है आ, जो मैंने कभी यूज़ नहीं की तो इस मास्क को एज़ टॉप मैंने यूज़ कर दिया इसको सिल दिया पीछे से और इंसर्टेड एंड मेरे पास कुछ लेस थे पिंक कलर के क्योंकि इसके हैंड्स के जो स्पून हैं वो उसका कलर पिंक है तो उसके मैचिंग इसलिए मैंने दो ऐसे आ, क्या कहते स्लीव्स बना दिए और आ, ताकि इस कलर के साथ मैच करे तो एक लेस का टुकड़ा मैंने यहाँ भी आ, सिल दिया तो ये बॉडी अपर पोर्शन है ये भी एक प्लास्टिक का बॉटल का अपर पोर्शन है और इसमें मैंने थोड़ा सा पिच बोर्ड स्टिक कर दिया ताकि इसको इससे जुड़ने में आसानी हो जाए और ये दोनों हैंड वॉश के बॉटल्स हैं तो इसको मैंने आपस में जोड़ लिया है आ, ग्लू के ज़रिए और इसके ऊपर भी एक मैंने कार्डबोर्ड ऐसे पेस्ट कर दिया ताकि एक बेस मिले तो वट आई एम गोइंग टू डू नेक्स्ट इज़ इसको यहाँ पे स्टिक करना है और ये जो क्रीम का डब्बा मैंने दिखाया था इसको एज हेड और फेस इसको जोड़ देना है और आई विल ड्रॉ द फेशियल स्ट्रक्चर्स मतलब के आईज़ नोज लिप्स एक परमानेंट मार्कर से ड्रॉ करने वाली हूँ और uh, इसके ड्रेस के लिए ड्रेस का जो लोअर uh, पोर्शन जो कि घाघरे के जैसा आई है कुछ बनाने की तो ये मेरे पास एक क्लोथ थी ये शायद सोफ़ा का जो बैक कवर होता है आ, उसी टाइप का एक क्लोद है ये मैंने कभी यूज़ नहीं किया ये मैंने खरीदा था बस रंग पसंद आ गया था इसलिए तो इस लेस के साथ आ, ये कलर थोड़ा बहुत मैच करता है थोड़ा सा डीप है ये लाइट पिंक में है ये डार्क पिंक में है पर फिर भी तो और इसमें एक ये जो टार्कवाइश एंड गोल्डन कलर का एक जड़ी बॉर्डर मेरे पास था तो इसको मैंने फेवी जो फैब्रिक ग्लू है सॉरी उसके जरिए मैंने स्टिक कर दिया यहाँ पे, तो इससे मैं इसका जो लोअर पोर्शन का घाघड़ा होगा वो बनाने की कोशिश करूँगी और फिर आ, वुल से ब्लैक वुल से या ब्लैक मोटे रस्सी से मैं इसके बाल बनाने की कोशिश करूँगी तो फ़िलहाल इतना ही बन पाया है तो अगर आ, मुझे कोई जल्दी नहीं है इसको बनाने की बट अगर जब कंप्लीट हो जाएगा तो आई विल पुट द सेकेंड वीडियो ऑन तो फ़िलहाल के लिए इतना ही कि ये जो सारे प्लास्टिक के डब्बे हैं जिसे हम फेंक देते हैं आ, तो ये इन सब चीज़ों को और इन ट्रैश को कैसे ट्रेजर में कन्वर्ट करते हैं तो ये एक मेरा छोटा सा आइडिया है देखते हैं कितना दूर तक ये काम करता है So let's hope for the best, and I will come up with the part two when it will be completed properly. That's it for today. Ta -da!